नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स इन हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी खाने की चीजों के बारे में जिनका सेवन करना आपके स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप आज मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं और अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त करते रहें। दोस्तों, बाजार से मिलने वाली कई चीजें ऐसी हैं जिनमें मिलावट की जाती है। आप बाजार में मिलने वाली इन चीजों को सेफ समझकर खरीद तो लेते हैं, लेकिन ये चीजें आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकती है। अक्सर आप बाजार से मिलने वाली चीजों का लेबल और स्वाद देखकर खरीदते हैं, पर स्वादिष्ट लगने वाली ये चीजें स्वास्थ्य को बहुत नुकसान पहुंचाती है। इन चीजों का सेवन आपके लिए कई बीमारियों का कारण बन सकता है। आज हम आपको कुछ ऐसी ही चीजों के बारे में बताएंगे जिनका सेवन सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। नंबर एक, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स। कॉफी या दूसरी चीजों के लिए इस्तेमाल होने वाली आर्टिफिशियल शुगर खराब पेट और डायबिटीज का कारण बन सकती है। इसके अलावा इसका सेवन मोटापा, ब्रेन ट्यूमर और ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बनता है। नंबर दो, डिब्बा बंद टमाटर। डिब्बा बंद टमाटरों को पैक करने के लिए उनके बॉक्स में बिस्फेनॉल ए नामक रासायनिक तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। ये तत्व शरीर में पहुंचकर तनाव, हाई ब्लड प्रेशर और हार्ट की बीमारियों का खतरा बढ़ा देता है। नंबर तीन, मिलावटी मक्खन। आजकल हर चीज में मिलावट आम देखने को मिलती है। ऐसे ही बाजार से मिलने वाले मिलावटी मक्खन में भी कोलेस्ट्रॉल, केमिकल्स और फैट पाया जाता है, जो कि टाइप 2 डायबिटीज का कारण बन सकता है। नंबर चार, पॉपकॉर्न। बाजार से मिलने वाले पॉपकॉर्न को बनाने के लिए मिलावटी मक्खन का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि लंग्स प्रॉब्लम का खतरा बढ़ाता है। इसके अलावा इसका सेवन दिमागी, सांस और फेफड़ों की समस्याएं पैदा करता है। नंबर पाँच, प्रोसेस्ड मीट। मार्केट से मिलने वाला हॉट डॉग, सलामी मीट, रेड मीट या फिर दूसरी चीजों में इस्तेमाल होने वाला प्रोसेस्ड मीट भी सेहत के लिए हानिकारक होता है। इसका रंग ज्यादा लाल करने के लिए सोडियम नाइट्रेट्स और नाइट्रेट्स जैसे रासायनिक तत्व मिक्स किए जाते हैं, जो कि कैंसर का कारण बनते हैं। नंबर छह, टेबल सॉल्ट। ज्यादातर रेस्तरा में मिलने वाला टेबल सॉल्ट से जरूरी मिनरल्स निकालकर इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के नमक से पोटेशियम आयोडीन डाला जाता है, जिससे खाने का रंग बदल जाता है। नंबर सात, वेजिटेबल्स ऑयल। वेजिटेबल ऑयल को बनाने के लिए ओमेगा 6 पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड नामक जैविक तत्व का इस्तेमाल किया जाता है। ये तत्व शरीर में जाकर बीमारियों का कारण बनता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ऐसे फूड जिनका सेवन करने से आपको स्वास्थ्य से जुड़ी कई गंभीर समस्याएं हो सकती है। हम ये तो नहीं कहते कि आप इनका सेवन बिल्कुल ना करें, लेकिन अगर आप इनका लिमिट में या कम इस्तेमाल करते हैं तो शायद आपको इन बीमारियों का खतरा ज्यादा ना हो। तो दोस्तों, आपको आज की जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। हम आप तक ऐसी ही नई और बेहतरीन जानकारियां पहुंचाते रहें, इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। हम आपसे जल्दी मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।